हमारा सबसे पहला सवाल, क्या आप मानते हैं इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद अब वो सब मिलने लगा है जो मानव दे? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लगता मुझे. मुझे लगता है कि जो भी मिल रहा है वो सही समय पर मिल रहा है. मतलब शायद इससे पहले उसकी मेरे कोई इच्छा ही नहीं थी. मैं क्योंकि अलग कुछ काम कर रहा था. बट मज़ेदार समय है क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है. चीज़ें बहुत बदल गई हैं. हम लोग कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कह रहे हैं. हम लोग बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं और समय बहुत अच्छा है. मैं हमेशा बोलता हूँ मैं थोड़ा सा लकी था बिकॉज प्रियंका चोपड़ा से लेके फरहान अख्तर से लेके सब मेरे जितने भी को एक्टर रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे. और आपको लगता है आपका अगर अपोनेंट अच्छा हो आपका गेम सुधर जाता है. तो मेरा गेम एक्चुअली इन्हीं को देख देख के सीखा है, इंक्लूडिंग राजकुमार राव, इंक्लूडिंग एवरीवन. सो दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स. वो अपना काम बहुत अच्छा करते हैं. वो उनके काम में एक संजीदगी बहुत अच्छी है. तो मैं बस लकी रहा कि मेरे को अच्छे एक्टर मिले और उससे मेरा काम भी थोड़ा निखरा है. जब मैं फिल्म के टाइटल की बात करता हूँ, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? हम सबके जितने सिनेमा के चाहने वाले हैं, नसीर साहब की छवि आ जाती है. व्हाट वाज योर रिएक्शन द मोमेंट द मेकर्स ऑफ द फिल्म अप्रोच यू टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म एंड दैट टू प्ले द लीड? आई मीन ऑफ कोर्स नसीर साहब, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर हेड इज नसीर साहब. एंड ऑल्सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नसीरुद्दीन शाह. आई थिंक ही इज द मोस्ट अमेजिंग एक्टर एंड स्टार ऑफ दिस कंट्री. बट ये अल्बर्ट जो सौमित्र ने लिखी है वो बिल्कुल अलग कहानी लिखी है. स्पिरिट सेम है, नाम सेम है, बट कहानी एकदम अलग है. इट्स अ डिफरेंट जर्नी. इट्स अ जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा. और बड़ी एजी फिल्म है, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है. तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग था. मुझे लगा कि एटलीस्ट आई लव द नेम अल्बर्ट पिंटो की. हमने डमशराज सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा है. तो आई लव द नेम एंड उसकी एजीनेस बहुत प्यारी थी. मुझे लगा कि मेरे को करने को मिल रहा है उससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है नसीर साहब के लिए, नसीर साहब को देने के लिए. नसीर साहब बिल्कुल मैं कंसिडर करता हूँ बिकॉज ऑल्सो आई लव हिम बिकॉज मैंने उनके प्लेस देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैंने उनका सिनेमा देखा, उनका परफॉर्मेंस देखा, उनकी संजीदगी मुझे पता है. एंड इज़ अ फाइनेस्ट ह्यूमन बींग. सो अगर मैं उनका कुछ भी 10% भी इधर उधर मिल जाए तो काफ़ी है मेरे लिए. मतलब क्या सरप्राइज पैकेज होगा जब हम थ्रिल थ्रिलर की बात करते हैं, सस्पेंस थ्रिलर की बात करते हैं, बहुत सी फिल्में हैं ना. द वन व्हिच आई लव मोस्ट इज जॉनी डेप. हाँ, ऑफ कोर्स अब बदला भी अभी आई है. तो क्या खास होगा इसमें जो बाकी फिल्मों से जुदा करेगा? बट बिकॉज ये स्ट्रिक्टली थ्रिलर नहीं है. ये स्ट्रिक्टली थ्रिलर नहीं है. ये कुछ चार पांच अलग अलग आई कंसिडर दिस एज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट. और ये चार पांच अलग अलग लेयर पे चलती है फिल्म. पास्ट, प्रेजेंट, इन द माइंड एंड ऑल्सो इट सीम्स लाइक थ्रिलर बट इट्स नॉट थ्रिलर. इट सीम्स लाइक अ एंग्री फिल्म, इट्स नॉट कम्प्लीटली एंग्री फिल्म. सो वो पूरी तरह किसी कैटेगरी में फिट नहीं होती है. एट द सेम टाइम इट इज़ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इन दिस फिल्म. तो मुझे लगता है कि हम अगर हम उसको अगर सिर्फ थ्रिलर बोलेंगे तो वी आर ब्रिंगिंग इट डाउन. वन इट्स अ कम्प्लीट फिल्म. और जो थ्रिलर है उसको मैंने कहा जो अभी हमारी मेरी फिल्म आई है बदला, वो है थ्रिलर जो थ्रिलर रूप में पूरी तरह वर्क करती है. मतलब जब पूरी फिल्म लीड कर लेगा एब्सोल्युटली इट गोज अप. आपको एक कैरेक्टर करना पड़ता है जिसमें आपके शोल्डर पे पूरी फिल्म होती है. मुझे ऐसा लगता है कि वो सही समय आता है जब आपको फिल्में मिलने लगती हैं. वैसी लोगों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है. लोग ये देख लेते हैं कि यार ये ही कैन डू मोर देन व्हाट ही इज़ गेटिंग राइट नाउ. तो इसी महीने में दो फिल्में आ रही हैं मेरी, लीड सोलो अल्बर्ट पिंटो और म्यूजिक टीचर ऑन नेटफ्लिक्स. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ अप्रैल मेरे लिए. तो होपफुली दोनों काम मेरे पसंद आए लोगों को. नंदिता के साथ नहीं नहीं मतलब ये सौरभ के साथ पहली बार. नंदिता के साथ मैंने एक छोटा काम किया था आई एम में बिकॉज आप गेस्ट अपीयरेंस में, बट दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम. कैसा एक्सपीरियंस रहा यार? क्या कुछ लोग होते हैं जिनको आप दिल से पसंद करते हैं. नंदिता और सौरभ दोनों उसमें से एक हैं. नंदिता की फिल्में मुझे बेहद पसंद है. वो जिस तरह की टॉपिक उठाती हैं, जिस तरह की फिल्में बनाती हैं, मुझे बहुत पसंद है. हाल ही में मंटो देखी, मुझे मैंने नंदिता को यही बोला मैं क्यों नहीं हूँ इस फिल्म का हिस्सा. उसने कहा तुम मंटो लगते नहीं हो.
तो बट नंदिता के साथ काम करने का सबसे अच्छा है कि वो एक राइटर डायरेक्टर हैं, तो उनका अप्रोच किसी भी कैरेक्टर को लेके, फिल्म को लेके बहुत ही अलग होता है, और वो जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है मैं तो रविंद्र का। तो मुझे तो दोनों राइटर डायरेक्टर हैं, मैं खुद भी राइटर डायरेक्टर हूँ, तो हम तीनों का माइंड बड़ा अलग वर्क करता है और बहुत सीखने को मिला। एंड ऑल्सो दे आर वेरी एंटरटेनिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, तो बड़ा मज़ा आता है इनका टाइम स्पेंड करने में। क्या म्यूजिक या फिल्म के अंदर? बिल्कुल म्यूजिक है, गाने हैं, वो भी धीरे धीरे रिलीज होंगे। ऑफ कोर्स संगीत जरूरी था इस तरह के, मतलब संगीत एक्चुअली बैकग्राउंड में, मतलब संगीत वैसा नहीं है जो आप हमने यूजुअली देखते हैं कि मैं लिपसिंग कर रहा हूँ, ऐसा कतई नहीं है। बट यह है कि बैकग्राउंड में जो एक तरह की वाहपोह को दर्शाता है, तो जितना संगीत हमारे भारत में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जॉनी गद्दार में जिस तरह का म्यूज़िक था, कोई लिपसिंग नहीं कर रहा था, बट या अंधाधुन में जिस तरीके का म्यूज़िक था, तो उस तरीके का ही म्यूज़िक है इसमें। मतलब बिल्कुल कतई नहीं, श्रीराम राघवन मेरे फेवरेट फिल्म मेकर हैं, तो कंपेयर नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग किस्म का सिनेमा है, बट ऑल्सो इन अ वे आई कैन से दैट उसी स्कूल का है ये सिनेमा। तीनों राइटर डायरेक्टर आप, नंदिता, सौरभ, और विद आई वांट टू टेक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, डू यू फील अ प्राउड मोमेंट कि यार इतने दिग्गज राइटर डायरेक्टर दोनों शख्सियत, नंदिता और मैं, आई एम द वन हु इज डूइंग द लीड एंड दे आर इन द सपोर्ट। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो, अब आपको कभी कभी लगता है कि स्थितियाँ सब सही हो जाती हैं और आप सही जगह पे लैंड कर जाते हो और सब कुछ सही लगता है। और ट्रेलर बहुत सुंदर लग रहा है, इन लोगों ने बहुत कमाल काम किया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ट्रेलर, तो आई होप लोग फिल्म देखें और उनको पसंद आए। फिर मैं एक्चुअली पहले तो ऑफकोर्स जब एक युवा थे आप, होशंगाबाद में पले बड़े एक गाँव से निकल रहे थे, तो एक्टर ही बनना था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ और बहुत शिद्दत से करना चाहता हूँ सब कुछ, थिएटर भी शिद्दत से करना चाहता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक पहले तो एंटरटेनमेंट के लिए आए बिल्कुल, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो गुस्सा है, आपको बहुत सारा गुस्सा देखने को मिलेगा और आपका भी थोड़ा गुस्सा जस्टिफाई होगा।